रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मीटिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता अनिल बाबा ने की। प्रदेश अध्यक्ष बाबा ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से SC/BC के बैकलॉग की मांग की और SC/BC संपूर्ण अधिकारों की मांग की। अनिल बाबा ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, परंतु उनको अधिकार नहीं मिले हैं। पूरे प्रदेश सरकार द्वारा भूमिहीन BPL परिकरों को 100 पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा भूमिहीन BPL परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए गए थे, लेकिन आज तक उन लोगों को कब्जा नहीं मिला। प्रदेश सरकार उन लोगों को प्लाट देने की मांग बाबा ने की। प्रदेश अध्यक्ष अनिल बाबा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी दी और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और जिले में हमारी सरकार बनी तो लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी और उनका सारा खर्च, किताबें खरीदने, हॉस्टल में रहने व आने जाने का खर्चा सरकार की तरफ से होगा। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने जिले की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया। कैथल के अंदर जिला कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे और बाबा साहब अंबेडकर के जो सपने थे, बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि समान अधिकार और सबको समान अधिकार मिले, सबको जो है समान सम्मान से जीने का अधिकार मिले, सभी लोग जो है जातिवाद को मिटा करके, भेदभाव को मिटा करके, सब भाईचारे की भावना के साथ जो है। तो सर बताइए, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम हरियाणा के अंदर हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ और केंद्र सरकार से भी हमने अभी एक जो है ज्ञापन दिया था और पिछले 1 हफ्ते पहले हम हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मिले थे। तो हमने उनके आगे भी मांग रखी थी कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, ले विभिन्न पार्टियों की देश में प्रदेश में सरकारें आई, लेकिन गरीब और पिछड़ों की बात किसी ने नहीं सुनी। जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, जो 49% रिजर्वेशन SC/BC को मिला था, आज तक वो भी किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। तो हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि SC/BC का जो बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है उसको पूरा करने का ये सरकारें काम करे, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वह आंदोलन करने का भी काम करेगी। और 2009 में जो श्री भूपिंदर हुड्डा जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, BPL कार्ड धारक थे, देहात में, उन लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, लेकिन वो प्लॉट कागजों में तो दे दिए हुड्डा जी ने, लेकिन अभी तक हमारे पास इतनी सारी शिकायतें आती हैं, मंत्रालय में लोग आते हैं, मंत्री जी से कहते हैं कि जी हमको जो है ये रजिस्ट्री तो मिल गई, सरकार ने हमको रजिस्ट्री दे दी, परंतु हमें अभी तक कोई कब्जा नहीं मिला। तो हम हरियाणा सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो BPL कार्ड धारक लोगों को 100-100 गज के गाँवों में प्लॉट मिले थे, उनको भी जो सरकार कब्जा दिलवाने का काम करे और हम लोग भी उनकी हर तरह से मदद करते हैं। और जो भी हमारे मंत्रालय में लोग आते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामदास अठावले जी। राजपाल जिंदल, आज तक TV कैथल।